हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो मैं करने वाला हूं वो आपको मैं दिखाऊंगा गियर शिफ्टिंग के बारे में वीडियो होगी ये, और हमें किस तरह से गियर शिफ्ट करना चाहिए स्पेशली जब हम ओपन स्पेस में होते हैं, और अगर हम थोड़े से ट्रैफिक में या सिग्नल में जाते हैं तो हमारा शिफ्टिंग किस तरह से होना चाहिए गियर का। तो ये वीडियो कम्प्लीटली फ्रेंड्स गियर के बारे में करने वाला हूँ। आप फुट मूवमेंट भी देख सकते हैं, मेरा क्लच का मूवमेंट रहेगा क्योंकि मैं गियर की वीडियो कर रहा हूँ, तो गियर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। साथ ही साथ आपको गियर का मूवमेंट जब होगा उसके साथ अपने क्लच का मूवमेंट भी देखना है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कहूंगा आप पूरी वीडियो देखें, इसमें आपको गियर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कितनी स्पीड में हमें कौन सा गियर लगाना चाहिए, डाउन शिफ्ट कब करना चाहिए, टर्निंग में कैसे गियर को ऑपरेट करना चाहिए या क्लच मूवमेंट होना चाहिए। तो वीडियो फ्रेंड्स कम्प्लीटली देखें, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अभी मैं एक ओपन स्पेस में हूँ, यहाँ से हम वीडियो स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे हम नॉर्मल सी चीज़ है कि अगर हम जब कार को स्टार्ट करते हैं, जब हम स्टैंड स्टिल से जब खड़ी है कार उसके बाद हम जब स्टार्ट करते हैं तब हमारा गियर शिफ्टिंग फर्स्ट गियर से अकॉर्डिंगली स्टार्ट होता है। अब जब हम स्पीड जो होती है जैसे जैसे इंक्रीज करनी होती है उसके अकॉर्डिंग हम गियर चेंज करते हैं। जैसे अभी जो मैनुअल कार चला रहा हूँ इसमें 5 गियर है, तो फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, इस तरह से हम गियर शिफ्टिंग करेंगे और स्पीड अकॉर्डिंगली होती है। सपोज मैं कार स्लो स्पीड में चला रहा हूँ 10 या 20 की स्पीड में, तो मेरे कार की जो गियर है वो फर्स्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड में होना चाहिए, थर्ड में नहीं कर सकते क्योंकि फिर कार जर्क करेगी। थर्ड का गियर जो है वो स्पीड के अकॉर्डिंग अलग है, तो जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज होगी उसके अकॉर्डिंग हम गियर को शिफ्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम जो फर्स्ट गियर लगाते हैं, तो आप मेरा फुट मूवमेंट देखिएगा फ्रेंड्स, जैसे ही गियर फर्स्ट गियर लगाते हैं, फर्स्ट गियर ऐसा है कि ये जो न्यूट्रल है इधर से लेफ्ट की तरफ और आगे करेंगे तो हम फर्स्ट गियर लगेगा। तो ये फर्स्ट गियर जब लगाते हैं इससे हमारी कार मूवमेंट स्टार्ट होती है। तो आपको पैनल बता देता हूँ फ्रेंड्स गियर पैटर्न कैसा होता है। जब हम न्यूट्रल करते हैं, ये देखिए बीच में न्यूट्रल है, सबसे पहला गियर जो होता है लेफ्ट में जाके आगे की तरफ जो है वो फर्स्ट गियर होता है, और फर्स्ट गियर के नीचे में सेकेंड गियर है। जैसे कि ये देखिए ये फर्स्ट गियर हुआ, अब हम जब सेकेंड गियर लगाना होगा तो हमें ये डाउन करके लेफ्ट में ही नीचे की तरफ है, फर्स्ट गियर जो है लेफ्ट में ऊपर की तरफ है और सेकेंड गियर जो है आपके लेफ्ट से नीचे की तरफ है। ऐसे ही थर्ड गियर जो है न्यूट्रल, जब अब सेकेंड गियर से हम जब थर्ड गियर में जाएंगे तब हमें न्यूट्रल से ऊपर जो है तो वह है थर्ड गियर। जब हम न्यूट्रल में रहते हैं, न्यूट्रल एक्चुअली ये लाइन जो है ये कम्प्लीट न्यूट्रल है, ये देखिए। अब इसके ऊपर की तरफ करेंगे तो ये थर्ड गियर हो जाएगा न्यूट्रल के ऊपर में, और न्यूट्रल के नीचे जो होता है ये फोर्थ गियर होता है। तो अकॉर्डिंगली हम चेंज करते हैं, और फिफ्थ गियर जो होता है वो एकदम राइट में आपके तरफ जब करेंगे स्टिक को, ये स्टिक है इसको अपनी तरफ करेंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये फिफ्थ गियर लग जाता है। और ये फिफ्थ गियर मैनुअल 5 गियर की कार है, और इसमें एक रिवर्स गियर होता है जिसमें हम कार को पीछे की तरफ लेके जाते हैं। जब हमें कार बैक करनी होती है तो एक गियर होता है वो सिर्फ रिवर्स के लिए होता है। तो ये रिवर्स गियर कहाँ होता है फ्रेंड्स, ये कम्प्लीटली राइट की तरफ, और पीछे में जब हम पुल करेंगे राइट की तरफ बैकवर्ड करेंगे तो ये रिवर्स गियर होगा। ये देखिए कैमरा ऑन हो गया क्योंकि रिवर्स गियर लगा है। तो अब हम न्यूट्रल कर लेते हैं फ्रेंड्स। पहले आपको वापिस से बोल देता हूँ, ये चीज जो है फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, और फिर राइट से ऊपर में फिफ्थ गियर है, और नीचे की तरफ रिवर्स गियर है। तो ये टोटल 6 गियर है रिवर्स को लेके, और फ्रंट में फॉरवर्ड ड्राइव के लिए 5 गियर्स हैं और रिवर्स के लिए 1 गियर है। तो अब हम फ्रेंड्स जब फर्स्ट गियर लगाते हैं तब हमें क्लच को जैसे मूव करना होता है, क्लच को देखिए हल्की सी रिलीज करेंगे, जैसे ही क्लच बाइटिंग पॉइंट तक आएगा, बाइटिंग पॉइंट ऐसा होता है कि क्लच जब कनेक्टिविटी छोड़ता है और व्हील्स को कनेक्ट करता है। क्लच 2-3 प्लेट्स होते हैं, फ्लाई व्हील्स, क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट। तो जैसे ही वो रिलीज करते हैं और कनेक्टिविटी जो है वो व्हील्स के साथ हो जाती है इंजन की, वो क्लच का काम होता है। और जैसे ही हम ये जो बाइटिंग पॉइंट है वहां तक कार को लेके आते हैं, उसके बाद हमारी कार जो है मूवमेंट स्टार्ट करती है। तो हमारी कार जैसे अभी देखिए फर्स्ट गियर में मूवमेंट स्टार्ट हो गई है, ये इनिशियली जो आप ड्राइव करेंगे तो आपको इनिशियली प्रॉब्लम होती है क्योंकि आप जो क्लच जो रिलीज करते हैं, क्लच को जब छोड़ने लगते हैं तब आपका क्लच या तो जल्दी छूट जाता है, या आप स्लो छोड़ते हैं, या फिर एक्सीलेटर ज्यादा प्रेस कर देते हैं। तो एक्सीलेटर जितना कम हो सके प्रेस करिए, ऐसा नहीं बोलूंगा कि एकदम मत प्रेस करिए, नहीं तो फिर कार आपकी बंद हो जाएगी। और स्टार्टिंग में हो सकता है आपको एक्सीलेटर ज्यादा प्रेस करना पड़े क्योंकि आपको सिंक्रोनाइजेशन समझ नहीं आता कि क्लच कितना छोड़ना है, एक्सीलेटर कितना प्रेस करना है।
और इस वजह से क्या होता है, अगर आप क्लच हाफ छोड़ देते हैं और एक्सीलेटर प्रेस करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आगे जो का इंजन में है वो फ्रिक्शन क्रिएट होता है। फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है कि वो जो तीतर होते हैं वो कटने लगते हैं, तो इस वजह से क्या होता है क्लच प्लेट भी खराब होती है और इंजन में भी डैमेज होता है। तो स्टार्टिंग में कोई ऑप्शन नहीं होता है, सीखना होता है तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन जब आप क्लच रिलीज करें उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि क्लच जैसे जैसे आप रिलीज करेंगे, क्लच हमेशा स्लोली स्लोली रिलीज करना होता है, स्पेशली फर्स्ट सेकेंड और थर्ड गियर में, क्योंकि जब आप स्लोली स्लोली जैसे ही रिलीज करेंगे फिर आप एक्सीलेटर प्रेस करेंगे तब आपकी कार मूव होने लगेगी। और हम गियर शिफ्टिंग के बारे में बता रहा हूँ फ्रेंड्स, अभी मैंने सेकेंड गियर लगा लिया, आपको फर्स्ट गियर में बताया था किस तरह से हम फर्स्ट गियर लगाते हैं। जैसे ही हमारी स्पीड थोड़ी इंक्रीज होती है, सपोज हम फर्स्ट गियर लगाए हैं, 10 की स्पीड आई है अपनी कार की, 10 की स्पीड से थोड़ी सी ज़्यादा होते ही हमें सेकेंड गियर लगाना होता है। सेकेंड गियर हमने लगा लिया है और ये चीज़ आपके आगे जो रोड है वो क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जाम जैम सा है या फिर आपको बहुत स्लो चलाना है उसके बाद भी आप सेकेंड गियर लगा लेंगे, तो ऐसा मत करिए। अगर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है या बहुत स्लो स्लो चला रहे हैं उनके लिए फिर सेपरेट हो जाए, तब तक आप सीख चुके होते हैं। तो ओपन स्पेस में जब आप चलाएं तो ऐसे करें कि सेकेंड गियर लगा लिया आपने 10 की स्पीड क्रॉस करते ही, अब जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज होगी उसके हिसाब से हम अपशिफ्ट करेंगे। अपशिफ्ट मतलब गियर को अब ऊपर के वाला गियर लगाएंगे, मतलब सेकेंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ। इस तरह से अब हम स्पीड जब इंक्रीज करते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए अभी मैं इंक्रीज करूंगा स्पीड को, मेरे को स्पेस मिल जाए पहले, सेकेंड गियर में यूं हल्की सी एक्सीलेटर मैंने ज्यादा लगाई थी, आरपीएम 2000 के आसपास आ गया था और मैंने इंक्रीज कर दी कार की स्पीड। अब देखिए थर्ड गियर में लगा रहा हूँ क्योंकि 2000 प्लस आरपीएम में जाते ही मेरे कार की स्पीड क्या 30 प्लस में आ गई थी, 30 प्लस से 40 की अप्रोक्स स्पीड आ गई है और मैंने थर्ड गियर अप्लाई कर दिया है। अब जैसे जैसे मैं एक्सीलेटर प्रेस करूंगा मेरे कार की स्पीड इंक्रीज होती जाएगी क्योंकि आरपीएम इंक्रीज हो रहा है, और आरपीएम हमें ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा इसकी इंक्रीज नहीं हो, उससे क्या होगा माइलेज ड्रॉप होती है। आरपीएम जो रोटेशन पर मिनट जो कि आपके इंजन की होती है रोटेशन, तो आप ज़्यादा प्रेस करेंगे तो थ्रोटल ओपन होता है, थ्रोटल इंजन में फ्यूल प्रोवाइड करता है, तो वो अगर आप करते हैं तो आपकी कार स्पीड तो लेगी लेकिन एक गियर के हिसाब से, जैसे आप थर्ड गियर लगा रखे हैं या फोर्थ गियर लगा रखे हैं उस हिसाब से अगर आप एक्सीलेटर बहुत ज़्यादा प्रेस करेंगे तो आपका थ्रोटल फुल ओपन हो जाता है और फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम होता है, लेकिन पावर आपको फोर्थ गियर के हिसाब से ही प्रोवाइड होगी, या थर्ड गियर अगर है तो थर्ड गियर के हिसाब से ही प्रोवाइड होगी पावर आपको। तो इस हिसाब से फ्रेंड्स आपको गियर शिफ्टिंग जो है, अपशिफ्ट जैसे मैंने आपको अभी दिखाया, फोर्थ गियर तक लगाया था मैंने, जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज की, अभी फिर से दिखाता हूँ वही चीज, अभी सेकेंड गियर से मैं थर्ड गियर जाऊंगा, मैंने कार की स्पीड 30 प्लस आई है और आरपीएम 2000 प्लस पे था और अभी मैंने थर्ड गियर लगा लिया, 40 की स्पीड है फ्रेंड्स। अब जैसे जैसे इंक्रीज करूंगा स्पीड में, एक्सीलेटर प्रेस कर रहा हूँ, धीरे धीरे रिलीज भी कर रहा हूँ बीच बीच में, जैसे ही मेरे को लगेगा मेरे को अपशिफ्ट करना है, मेरे कार की अभी स्पीड क्या है 50 अप्रोक्स आ रही है। अब मेरे को जैसे ही अपशिफ्ट करना होगा फ्रेंड्स तो मैं क्लच प्रेस करूंगा, फोर्थ गियर लगाऊंगा, क्लच को धीरे से बाइटिंग पॉइंट तक छोड़ के फिर फुल रिलीज कर दूंगा। आप मेरा फुट मूवमेंट देखें फ्रेंड्स, क्लच इस तरह से मैं रिलीज कर रहा हूं, हमें क्लच अभी देखिए डाउन शिफ्ट किया मैंने, क्लच इसी तरह से हमें रिलीज करना है, स्लोली स्लोली रिलीज करके फिर लास्ट में आप पूरा छोड़ सकते हैं जब आप बाइटिंग पॉइंट क्रॉस कर देते हैं। तो आपका बाइटिंग पॉइंट जो कार का है आपको खुद समझना होगा, अभी आपने देखा होगा डाउन शिफ्ट किया था मैंने फोर्थ गियर से, अभी तक अप शिफ्ट कर रहा था क्योंकि मेरे को स्पीड लेनी थी। अब जैसे ही मैं कार को स्लो डाउन करूंगा, ये देखिए अभी जैसे थर्ड गियर से मैं स्लो डाउन कर रहा हूँ, मुझे सेकंड गियर लगाना पड़ रहा है क्योंकि मेरे कार की स्पीड जो है 10 से अप्रोक्स 10 के आसपास है। इसमें मैं चाहूँ तो फर्स्ट गियर भी लगा सकता हूँ लेकिन फर्स्ट गियर में क्या होता है जर्क लगेगा। अभी देखिए 10 की स्पीड आई है सेकेंड गियर में, अब मैं फर्स्ट गियर लगाऊंगा और क्लच रिलीज करूंगा तो आपको इंजन में हल्की सी ऐसे मतलब जैसे होता है ना जर्किंग सी फील होगी। तो फर्स्ट गियर हमेशा तभी लगाएं जब आपकी कार या तो स्टॉप में हो, जैसे कि कम्प्लीटली स्टॉप है आप स्टार्ट करने वाले हैं तब फर्स्ट गियर लगाएं, या फिर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक या फिर एकदम स्लो मूविंग ट्रैफिक है जिसमें आपको एक कम्प्लीट स्टॉप करना हो रहा है, फिर मूव करना पड़ रहा है, फिर स्टॉप करना पड़ रहा है, तो उसमें आपको फर्स्ट गियर की यूज ज़्यादा आएगी। अभी फिलहाल मैं थर्ड गियर ले लिया हूँ फ्रेंड्स, अब जैसे ही मेरे को स्लो डाउन करना होगा या टर्निंग लेनी होगी तब मैं सेकेंड गियर करूंगा या डाउन शिफ्ट करूंगा। सपोज मेरे को यहाँ पे स्टॉप करना है, कम्प्लीटली स्टॉप करना है, यहाँ पे मैंने कम्प्लीटली स्टॉप कर दिया, अब जब मेरे को आगे कार बढ़ानी होगी तो मेरे को थर्ड गियर से मैंने न्यूट्रल किया और फिर फर्स्ट गियर किया, अब कार को आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो इसी हिसाब से हमें कार को जो डाउन शिफ्ट है फ्रेंड्स इसी हिसाब से करना होता है जब हमारी स्पीड डाउन हो जाती है। तो
जब हम अपशिफ्ट करते हैं, हमें गियर का जो सेकंड गियर से थर्ड गियर, थर्ड से फोर्थ गियर, हमें तब करना होता है जब हमारी कार की स्पीड इंक्रीज हो रही होती है और आरपीएम हाई जाने लगता है, तब हमें अपशिफ्ट करना होता है। और कार की स्पीड जब डाउन होती है, जब हमें डाउन करना होता है आगे ट्रैफिक देख के या आपको रोड टर्निंग देख के, जैसे भी आप डाउन शिफ्ट करेंगे या स्पीड डाउन करेंगे तब आपको डाउन शिफ्ट करना होता है। अभी देखिए, मैं कार की स्पीड जो सेकेंड गियर में लगा रखा हूँ, कार 40 के अप्रॉक्स, 30 के प्लस की स्पीड में आ गई है। अब मेरे को जब स्लो डाउन करना होगा तो मैं हल्की सी ब्रेक अप्लाई करके कार को स्लो कर सकता हूँ। ये देखिए, ये मैंने हल्की सी ब्रेक अप्लाई की, अब कार को स्लो डाउन करके फिर मैंने क्लच प्रेस कर दिया, नहीं तो मेरे कार जो है ऑफ हो सकता है, इंजन जो है ऑफ हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स हमें क्या करना होता है कि जैसे डाउन शिफ्ट जब हम करते हैं, डाउन शिफ्ट इसलिए करते हैं जब हमारी कार की स्पीड डाउन आ जाती है। अभी कोई भी रीजन से हमें डाउन करनी होती है स्पीड, हम 40 की स्पीड में है, तो अब वो सपोज हम 40 की स्पीड में हमें 20 करना है, 40 की स्पीड में हम फोर्थ गियर में है सपोज, तो हमें 20 करना होता है तो हमें सेकेंड गियर में आना पड़ता है। अभी देखिए, यहाँ से मैं अभी यहाँ से आपको फोर्थ गियर लगाता हूँ, पहले तो ये थर्ड गियर में आया, 40 प्लस की स्पीड आ गई है मेरे कार में, अब मैंने फोर्थ गियर लगा लिया है। अब मेरे को सपोज स्लो डाउन करना हुआ किसी भी रीजन से, आगे टर्निंग है या ट्रैफिक स्लो हो रहा है, तो 50 50 की स्पीड है फोर्थ गियर में मेरी कार, मैंने स्लो डाउन की, ये देखिए मेरी कार जो है 20 की स्पीड आ गई है। अब मेरे को क्या है, सेकेंड गियर लगाना होगा। अब मूव करने के लिए क्लच जैसे प्रेस करके मैंने सेकेंड गियर लगाया था, फिर क्लच को धीरे धीरे रिलीज करके अब मैं मूव कर सकता हूँ। तो इस तरह से क्या है, हमें डाउन शिफ्ट करना होता है फ्रेंड, जब हम ट्रैफिक या किसी ऐसी लोकेशन में होते हैं जहाँ स्पीड हम ले चुके हैं, फिर हमें स्लो करना है। अभी जैसे यहाँ से टर्निंग लेनी है मेरे को, मैं थर्ड गियर में हूँ, अब मैं थर्ड गियर में लेफ्ट टर्न ले रहा हूँ यहाँ पे। अब जब टर्न ले रहा हूँ तो मुझे ट्रैफिक पे भी ध्यान देना है क्योंकि थोड़ी बहुत बाइक्स वगैरह आ रही हैं, तो यहाँ से मैं टर्न ले रहा हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे को डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि स्पीड ब्रेकर आया छोटा सा, और मैं अपनी कार को यहाँ से आराम से निकाल लूंगा। सेकेंड गियर से फिर मैंने अपशिफ्ट किया, थर्ड गियर लगाया क्योंकि आगे स्पेस मेरे को दिख रही है, मैं स्पीड ले सकता हूँ, इसलिए मैंने थर्ड गियर लगा के कार की इंक्रीज कर लिया स्पीड। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम गियर शिफ्टिंग करते हैं। आपको मैंने एक्सप्लेन किया था फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर से फिफ्थ गियर तक, और रिवर्स गियर कैसे लगाते हैं वो भी आपको एक्सप्लेन किया था। अभी मैं अपशिफ्ट और डाउन शिफ्ट की ये वीडियो कर रहा हूँ फ्रेंड्स, गियर चेंज करने की कैसे वीडियो होती है, कौन सी स्पीड में करना होता है। अब आपको स्पीड बता देता हूँ फ्रेंड्स, फर्स्ट गियर हम जब स्टॉप से स्टार्ट करते हैं, जैसे जीरो से स्टार्ट करते हैं, तब हमें फर्स्ट गियर लगाना होता है, और जब हमारी कार जो है 20 से 30 के बीच में, आप सेकंड गियर कर सकते हैं, आप 20 में भी कर सकते हैं, 30 में ले जाके भी सेकंड गियर कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो 30 प्लस की स्पीड आती है, 30 प्लस से आप 50 की स्पीड तक थर्ड गियर में रख सकते हैं, और जब आपकी कार 50 प्लस की स्पीड आएगी, 40 से 50 50 अप्रॉक्स आ गई है, तो आप फोर्थ गियर कर सकते हैं। फोर्थ गियर को आप 60 70 में भी यूज कर सकते हैं, उससे पहले भी आप फिफ्थ गियर लगा सकते हैं अगर आपको ओपन स्पेस दिख रही है तो। और आपने जो ये जो मैंने जो स्पीड बताई है गियर के अकॉर्डिंग, तो जो लोअर गियर लोअर स्पीड बताई है, सपोज मैंने थर्ड गियर का आपको बताया 30 से 50 की स्पीड में, तो अगर आपकी कार 30 की स्पीड में आ रही है और आप फोर्थ गियर में है, आप डाउन शिफ्ट करके थर्ड गियर कर सकते हैं। तो जो लोअर स्पीड होती है उससे नीचे जाते या उस पर आते ही आप लोअर गियर लगा सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको कहा फ्रेंड, सेकेंड गियर का स्पीड जो है 20 से 40 के अप्रोक्स आप रख सकते हैं या 50 तक रख सकते हैं, तो आपकी कार की स्पीड जैसे ही 20 आए या आप 20 तक करें तो उस पे आप सेकेंड गियर अप्लाई कर लें। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप गियर डाउन शिफ्ट कर सकते हैं कार की अपनी, और अपनी कार को आराम से ड्राइव कर सकते हैं जब भी आप नॉर्मल ट्रैफिक में हो या हाई स्पीड लोकेशन पे हो, आप अपनी कार को बड़े आराम से ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए टू वे लेन है और मैं कार की स्पीड इंक्रीज नहीं कर रहा हूँ, आराम से ही ड्राइव कर रहा हूँ। ये देखिए, क्योंकि मेरे को लोकेशन देखनी होगी, अपनी जजमेंट लेनी होगी मेरी कार में कितनी स्पेस है निकलने की, आगे मेरी कार निकल पाएगी कि नहीं। ये देखिए अभी टू व्हीलर आ रहे हैं, तो मेरे को उसका कंट्रोल रखना है और ध्यान देना है। जैसे 20 की स्पीड आ गई है, मैंने डाउन शिफ्ट करना है। अब ये देखिए मैंने डाउन शिफ्ट कर दिया, तो कार की स्पीड जैसे ही स्लो होती है डाउन शिफ्ट करना होता है, और इंक्रीज होती है तो अप शिफ्ट करना होता है, उसके अकॉर्डिंग ये गियर शिफ्ट करना होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो इस बारे में गियर शिफ्टिंग के बारे में, और साथ ही साथ आपको क्लच मूवमेंट भी दिखा होगा। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।
थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।